अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ आतिक कुरैना। आज की लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनवर्स मेथड को। इनवर्स मेथड हमारे पास एक मेथड है, एक अप्रोच है, एक सोर्स है, जिसकी मदद से हमने क्या करना है, लाइनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। इस मेथड को यूज़ कैसे करना है, इस मेथड को यूज़ करने से पहले इनकी बेसिक्स को समझना सबसे ज़रूरी है। इनवर्स मेथड के बेसिक्स क्या होते हैं याद रखें। अगर आपने क्या करना था, कोई भी नंबर या कोई भी क्वांटिटी आपने ऐड करना था, तो ये बात याद रखें इनवर्स मेथड के बेसिक्स ये हैं। तो ये एडिशन आपने दोनों तरफ करना है। अगर कोई नंबर या कोई क्वांटिटी आपने सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये आपने दोनों साइड में करना है, लेफ्ट में भी करना है, राइट में भी आपने सब्ट्रैक्शन करना है। इसी तरह अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करना था, तो दोनों तरफ आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर आपने डिवीजन करना था, तो आपने दोनों साइड में डिवीजन करना है। ये इनके बेसिक्स हैं। आइए इनको जो है ना कंप्लीट समझने के लिए एग्जांपल्स को लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एक इक्वेशन मैं ले रहा हूँ। इक्वेशन है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हमारा मकसद इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मतलब हमने x की वैल्यू फाइंड करना है। अब x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे और इस मेथड को यूज़ कैसे करना है, इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आप इस इक्वेशन को देख लें, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, लाइनियर इक्वेशन है। लाइनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। और इस मेथड को यूज़ कैसे करना है, इस मेथड को यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले 4 को देख लें। 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है। तो आपने क्या करना है, माइनस का इनवर्स देखना है। तमाम साइन के इनवर्सेस को समझने की कोशिश करें। माइनस का इनवर्स है प्लस, प्लस के लिए इनवर्स साइन माइनस यूज़ होता है, मल्टीप्लाई के लिए इनवर्स साइन डिवाइड डिवीजन यूज़ होता है, डिवाइड के लिए इनवर्स साइन मल्टीप्लिकेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो माइनस का इनवर्स साइन क्या है, प्लस है। अगर आपने माइनस 4 को ख़त्म करना है, तो इसी 4 को आपने ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन अगर आपने एडिंग करना था, तो आपने दोनों साइड में करना है। बस आपने यहाँ पर एक सेंटेंस को लिखना है। सेंटेंस ये होगा, हेडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। आपने 4 को दोनों साइड में प्लस करना है। प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 में 4 ऐड करें 4। ये 4 आपका क्या कहलाता है, विच इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। ये माइनस 4 हमारे पास क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल में हमारे पास एक और इक्वेशन है, x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास एक लाइनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका कार है, x की वैल्यू और इस मेथड को यूज कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले 2 हमारे पास कंप्लीट, इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x माइनस 3 है, एक कंप्लीट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई के लिए इनवर्स साइन क्या होता है, डिवाइड। तो आपने क्या करना है, 2 को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। आपने 2 को दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड करना है। ये 2 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो हमारे पास आंसर में 0 आता है। इसके बाद अगर आपने -3 ख़त्म करना है, तो माइनस के लिए इनवर्स साइन क्या होता है, प्लस का होता है। तो आपने क्या करना है, 3 को, इसी 3 को आपने क्या करना है, ऐड करना है, हेडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। आपने 3 को दोनों तरफ ऐड करना है। जब आप 3 को दोनों तरफ ऐड करेंगे, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 में 3 ऐड करें 3 आएगा। ये 3 आपका क्या कहलाता है, विच इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट। एक और एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ। इस एग्जांपल को भी सही तरह समझने की कोशिश करें। एग्जांपल में हमारे पास है 4x माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 15
इज इक्वल माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले माइनस 16 को ख़त्म करना है। 16 माइनस में है, माइनस के लिए इनवर्स साइन हमारे पास प्लस होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग 16 ऑन बोथ साइड्स, सबसे पहले 16 को दोनों तरफ आपने ऐड करना है। 16 को जब आप दोनों तरफ ऐड करेंगे, यहां से 16 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जीरो में 16 ऐड करें तो हमारे पास 16 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 5 हमारे पास डिवाइड में है, डिवाइड के लिए हमारे पास इनवर्स साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आपने 5 को ख़त्म करने के लिए 5 का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर 5 डिवाइड में है तो आपने दूसरे 5 को अगर आपने दूसरे 5 को अगर आपने लेना था तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने 5 से क्या करना है, 5 से बकायदा इसको मल्टीप्लाई करना है। फाइव को इस साइड में भी मल्टीप्लाई करें, 5 को इस साइड में भी मल्टीप्लाई करें। जब 5 को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इधर कैंसिल हो जाएगा। 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 6 30, 3 carry, 5 1 5, 5 में 3 जमा करें, यह आ जाएगा 18। इसके बाद 4 हमारे पास मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई के लिए इनवर्स साइन डिवाइड का होता है। तो आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, आपने दोनों तरफ 4 को डिवाइड करना है। जब आप दोनों तरफ 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 80 को 4 के साथ कैसे डिवाइड करना है, 4 2 8, ये आ जाएगा 20। लास्ट में हमारे पास -2 यहाँ पे रह गया, माइनस के लिए इनवर्स साइन कौन सा होता है, प्लस का। तो आपने यहाँ पर लिखना है एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, आपने 2 को दोनों तरफ क्या करना है, ऐड कर देना है। जब आप 2 को दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 20, में 2 ऐड करें ये हमारे पास आएगा 22। ये 22 आपका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन सेट कहलाता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में इंशाल्लाह बकायदा तौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंशाल्लाह सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, फिर फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है उसके ऊपर इंशाल्लाह कंप्लीट हमारी डिस्कशन होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।